हाय दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी पे आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में आपको सभी प्रकार की स्टडीज़ की वीडियोस मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी प्रकार के विषयों के वीडियोज़ यहाँ पर उपलब्ध हैं। सब्सक्राइब करें रैपिड स्टडी यूट्यूब चैनल को और पाइए लेटेस्ट स्टडीज़ वीडियोज़ सबसे पहले। रैपिड स्टडी, थिंक फास्ट, स्टडी स्मार्ट। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय संसद के बारे में। भारतीय संसद क्या है, कितने लोग उसमें काम करते हैं, कैसे करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, संसद यानी कि पार्लियामेंट भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय होता है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन हैं, राज्यसभा जो कि है राज्यों की परिषद और लोकसभा यानी कि लोगों का सदन। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या फिर स्थगित करने के अथवा तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। भारतीय संसद का संचालन संसद भवन में होता है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। देखते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसमें महत्तम सदस्य संख्या 250 होती है, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य महत्तम होते हैं तथा महत्तम 238 सदस्य होते हैं जो कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा चुने जाते हैं, जो कि हम लोग चुनते हैं। जिसमें अगर आगे देखा जाए तो 234 महत्तम सदस्य होते हैं राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में होते हैं महत्तम 4 सदस्य। अब अगर वास्तविक संख्या की ओर देखें तो वो 245 है, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य है और निर्वाचित 233 सदस्य है जो राज्य और राज्य संघ क्षेत्र द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं। उसमें भी राज्यों में 229 वास्तविक सदस्य है और केंद्र शासित प्रदेश में 4 वास्तविक सदस्य हैं, जिसमें से अगर देखा जाए तो दिल्ली में 3 और पांडिचेरी में से 1 वास्तविक सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन तथा मनोनयन 6 वर्ष के लिए होता है, जिसमें से 33% मतलब 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। दोस्तों, ये तो था राज्यसभा के बारे में। अब देखते हैं लोकसभा में क्या होता है। लोकसभा में राष्ट्र की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जिनकी अधिकतम संख्या 552 है, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत महत्तम 2 एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं और राष्ट्र की जनता द्वारा चुने हुए निर्वाचित महत्तम 550 सदस्य होते हैं, जिसमें राज्यों से महत्तम 530 सदस्य है और केंद्र शासित क्षेत्र से महत्तम 20 सदस्य होते हैं। अब अगर वास्तविक सदस्य संख्या देखें तो वह है 545, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 एंग्लो इंडियन सदस्य है और राष्ट्र की जनता द्वारा चुने हुए 543 निर्वाचित सदस्य है, जिसमें से 530 राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से 13 सदस्य है। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो दिल्ली से 7 सदस्य है और अन्य केंद्र शासित प्रदेश से 6 सदस्य है। दोस्तों, यह तो भारत की संसद के बारे में। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें रैपिड स्टडी चैनल को और बगल में दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। वीडियोस को देखने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। रैपिड स्टडी, थिंक फास्ट, स्टडी स्मार्ट।